हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, हम या न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत ही कम ईंधन को बर्न करा के लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लगभग अगर 400 टन कोल हम बर्न करें, उसके बाद जो हमें हीट मिलेगी या ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उतना अगर हम 1 kg न्यूक्लियर ईंधन की बर्निंग कर दें तो उसके बराबर ही हमें ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक, तो बहुत कम मात्रा में या बहुत कम ही मात्रा में हम फ्यूल का, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके और लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में जो है, इसके काफ़ी सारे खदान हैं, जैसे यूरेनियम 235 हो गया, 238 हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, इस सब के खाद्यान्न हैं। इंडिया में लगभग 14 पावर प्लांट हैं और पूरे वर्ल्ड में लगभग 160 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में हमने ईंधन यूज किया और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस किया। अब हम बात करते हैं, कोई भी चीज होती है तो वो क्या होती है, परमाणु से बनी होती है। जैसे न्यूक्लियर ईंधन हो गया, तो कोई भी परमाणु होता है तो उसमें क्या होता है, ये मान लो परमाणु है, इसका एक नाभिक होगा जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाभिक, ये नाभिक हो गया, ये परमाणु हो गया। ठीक है, ये परमाणु हो गया। ठीक है, इसमें ये हो गया नाभिक हो गया, और नाभिक में मींस न्यूक्लियस, और इसमें क्या होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक संख्या में, 2, 4, 10, 15, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ये नाभिक होता है, और नाभिक में जो नाभिक की मात्रा होगी, उसका जो वेट होगा, नाभिक का जो वेट होगा और न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के वेट से क्या होता है, कम होता है। किस लिए कम होता है, कम इसलिए होता है जब कोई नाभिक का निर्माण होता है, तो नाभिक का निर्माण किससे होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, कोई नाभिक बनना है तो किससे वो निर्माण होगा, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिक का जब निर्माण करते हैं तो जो नाभिक बनता है, ठीक है, उसका ज्वाइंट हुआ आपस में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में जुड़े तब नाभिक बना। तो इसके ज्वाइंट होने में जो ऊर्जा खर्चा होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग मात्रा लें, उसका योग करें, और नाभिक होने के बाद दोनों की मात्रा, मतलब जो नाभिक हो जाएगा उसका वेट देखें, उसकी मात्रा देखें, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अलग मात्रा देखें, तो नाभिक का की मात्रा कम होगी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के योग से। ठीक है, किस लिए कम होती है, जितनी वो कमी होती है वो क्या होती है, हमारी जो इसके नाभिक बनने में जो ऊर्जा खर्च होती है वही कमी हो जाती है। अब ये जो कमी होती है, तो इसको जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक बनाती है, मिलके बनाती है, तो इसमें जो ये कमी हुई ऊर्जा की, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बॉन्डिंग एनर्जी। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा होती है, कितने टाइप की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन क्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन क्रिया अगर 8th-9th क्लास में भी हम आप भी पढ़े होंगे कि नाभिकीय संलयन क्रिया क्या कहा जाता है, जब दो छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया करते हैं। मगर
प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई दो नाभिक को जोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट में हीट की जरूरत होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट देना पड़ेगा तब दो नाभिकों का संलयन होगा, इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये अब जो नाभिक की संलयन क्रिया होती है फ्यूजन, ये यूज नहीं होती है। नाभिक की न्यूक्लियर फिजन जो होती है नाभिक की विखंडन क्रिया, इस विखंडन क्रिया का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब किस तरीके से होता है नाभिक विखंडन, नाभिक विखंडन क्रिया जो होती है वो हमारी नाभिक विखंडन में क्या होता है, एक ये फॉर्मूला देखिए, बांड में भी यूरेनियम 235 प्लस 0N1 इक्वल टू 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 301 प्लस ऊर्जा। इससे समझिए बांधने यूरेनियम 235 ये क्या हो गए, ईंधन हो गए, न्यूक्लियर ईंधन हो गया। बांधने यूरेनियम 235 इस पे हमने क्या किया, न्यूट्रॉनों की बौछार की। जब न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो ये क्या होता है, दो अलग अलग नाभिकों में टूट गया। एक ये क्या हो गया 56 बेरिलियम 141 और दूसरा नाभिक क्या हो गया 36 क्रिप्टॉन 92। और उसके साथ तेजी संख्या में हमने यहाँ एक न्यूट्रॉन की बौछार की थी, यहाँ क्या होता है भारी संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उसके साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी ऊर्जा का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब जो ये होता है, अब इसको अगर हम ग्राफिकल देखें तो ये देखिए हमने फिगर बनाया है यूरेनियम 235, अब इसमें क्या किया गया है 0N1 न्यूट्रॉनों पे बौछार किया गया। ठीक है, उष्मा प्रोड्यूस हुआ, इस रिएक्शन से पूरा समझ में आ जाएगा, उष्मा प्रोड्यूस हुई। ठीक है, क्या हुआ, ये दो नाभिकों में टूट गया, टुकड़ों में टूट गया, ये हमारा यूरेनियम 235 आ गया, न्यूट्रॉन हुए, देखो भारी संख्या में तीव्र गति के न्यूट्रॉन पैदा हुए, प्रोड्यूस हुए। ठीक है, फिर ये यूरेनियम 235 प्लूटोनियम में इस तरीके से ऊपर चला जाता है। अब इसकी गति को धीमा करने के लिए ये हमारे सामने समस्या पैदा हो जाती है कि न्यूट्रॉनों की बौछार करने के बाद ये प्रक्रिया इस तेजी से होती है, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये क्या होगा, विस्फोट कर देगा। तो इसके लिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं, मॉडरेटर के रूप में हमारा क्या होता है H2O भारी जल, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब मंदक के रूप में प्रयोग होते हैं। मॉडरेटर या मंदक जो होता है इसका काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। ठीक है, न्यूट्रॉनों की गति, यहां हमने एक न्यूट्रॉन बौछार किया था, तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, तो इसकी गति को क्या किया, इनकी संख्या को कम कर दिया गया। अब फिर मान लो हमारा फिर एक न्यूट्रॉन बचा, फिर इसने बौछार की, फिर ये दो तीन भागों में टूटता है, फिर भारी संख्या में न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, फिर मॉडरेटर लगा होता है, फिर गति उसकी स्लो करता है, तो ये प्रक्रिया क्या होती चली जाती, इस तरीके से एक्सपेंड होती चली जाती पूरी। ठीक, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, अगर मॉडरेटर न लगा तो ये प्रक्रिया इतनी भयंकर हो जाएगी तो इसको क्या कर देगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा नाभिक विखंडन क्रिया जो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। ठीक, अब न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, ये आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा बना हुआ है, ये देखो क्या है, प्रेशर वेसल है, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल रॉड बोरान या कैडमियम की बनी होती है, रेडिएशन शील्ड हो गया, ये इसमें ये मॉडरेटर लगा हुआ है, फ्यूल, ये मॉडरेटर है, फ्यूल रॉड है। ठीक, ये चैम्बर है, चैम्बर में क्या होता है, यहां से कूलेंट इन कराया जाता है, यहां से कूलेंट बाहर निकलता है। अब इसमें देखो न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से वर्क करता, मेन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेन चीज होती है जिससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं वो होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखो एक एक चीज इसमें हम पहले डिटेल में बता देते, रिफ्लेक्टर होगी, ठीक, रिफ्लेक्टर है, प्रेशर वेसल है,
रेडिएशन फील्ड है, इन सब का काम जो होता है एक तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है रिएक्टर का। अब सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हमारा क्या होता है, यहां से कूलेंट इन किया जाता है और यहां से कूलेंट आउट होता है, ठीक। ये क्या है, फ्यूल रॉड किस थोरियम की हो सकती है, यूरेनियम 235 की हो सकती है, प्लूटोनियम की हो सकती है, ठीक है। इसकी राड होती है, ये मॉडरेटर जो होते हैं ग्रेफाइट के यहाँ पे दिखाया गया है, वैसे भारी जल भी यूज कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से होता है, मॉडरेटर के रूप में लिया गया, बाकी ये कंट्रोल राड लगे हैं। तो कंट्रोल राड जो होता है बोरियम या कैडमियम के बने होते हैं, और कंट्रोल राड का जो काम होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करना, ठीक है। अब सबसे पहले हमने प्रक्रिया क्या किया, यहां से कूलेंट इन किया, यहां कूलेंट फिल हो गया। फिल होने के बाद हम क्या करते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले हम ये रॉड जो होती है पहले पुश होती है, ये दिखाया गया पुल दिखाया गया, ये पुश होती है, ये रॉड यहां तक होती है, कंट्रोल रॉड ये होती है। उसके बाद इन कंट्रोल रॉड को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ इस तरीके से खींचते हैं। जब खींचते हैं तो ये क्या होता है, यहां पे जब जैसे खींचा हमारा क्या हुआ, यूरेनियम 235 ये जो फ्यूल रॉड, ठीक है, इस पे क्या होता है, ये हमारा जीरो न्यूट्रॉन की बौछार होने लगती है। अब क्या हुआ, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, दो उसमें खंडों में तो टूटना, न्यूट्रॉन पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना, ये प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या करता है, मॉडरेटर क्या करता है, यहाँ से जैसे जो हमारे विखंडन हुआ ये आ रहा है, यहाँ मॉडरेटर से टकराया, तो इसकी गति को कंट्रोल में रखता है। जैसे हमारे तीन न्यूट्रॉन हुए, तीन न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन में स्पीड कंट्रोल कर देता है, तो मॉडरेटर ने ये अपना काम कर दिया कि इसकी गति अगर ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो सकता है। अब उसके बाद हमारी ये लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इनको लार्ज अमाउंट में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो यहाँ से कूलेंट जाता है, ये कूलेंट क्या करता है, उस हीट को अब्सॉर्ब करके ये बाहर कूलेंट निकल जाता है। अब बाहर निकल गया, अब ऊर्जा जो थी, हीट जो थी, हीट एनर्जी थी, उसका यूज हो गया। अब जब ये प्रक्रिया कंट्रोल नहीं होती है, हमें ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करना, ये प्रक्रिया कंटिन्यूस तरीके से चलती रहती, न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करना होता है, इस कंट्रोल रॉड को पुश कर देते, ये कंट्रोल रॉड आके यहाँ ये वाली सिचुएशन यहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है, पूरे पुश कर जाते हैं। जब पुश कर गए तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ठीक, न्यूट्रॉनों की संख्या को कम कर देंगे। जब न्यूट्रॉनों की संख्या को कम कर देंगे तो ये जो चैन रिएक्शन दिखाया गया है ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 जब सारे न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर देगा तो ये क्या होगा, खाली इस पे अगर जब तक हम यूरेनियम पे न्यूट्रॉनों की बौछार नहीं करेंगे तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक। तो सारे न्यूट्रॉन क्या कर लिए, कंट्रोल रॉड ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्रक्रिया हमारी रुक गई। तो ये काम होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब हम क्या करते हैं, पूरा ये हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर से हम हीट इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, ये रिएक्टर को हमने क्या कर दिया, पावर प्लांट में शुरू करने के लिए ये हमारा रिएक्टर हो गया। हाँ, एक चीज और देखो, ये जो बाकी चीज लगाई गई ये तो पूरी प्रक्रिया हमने समझा दिया था, ये रिफ्लेक्टर जो होती है, रिफ्लेक्टर का काम होता है जो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रॉन होते हैं या जो भी ये नाभिक जो टूटते हैं वो क्या होते हैं, इस रिफ्लेक्टर शील्ड से टकराते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं कि ये आगे पास ना कर पाए, यहाँ रिफ्लेक्टर जो है होता है इससे टकराए और फिर आके इसी चैम्बर में रहते हैं। उसके बाद हमारा ये दिखाया गया है रेडिएशन शील्ड, ये जब नाभिक विखंडन क्रिया होती है तो इसमें क्या होते हैं, जो हार्मफुल रेजेस होती है वो प्रोड्यूस होती है, उनसे बचने के लिए ये हमारी क्या लगी होती है, बाहर रिफ्लेक्शन शील्ड लगी होती है जो किसी प्रकार के रेडिएशन से बचा जा सके। हमारा ये प्रेशर होती है कि लार्ज अमाउंट, मान लो हमारा नाभिक विखंडन क्रिया कंटिन्यू हो रही है, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, अब ये क्या पूरी
फटने की, अगर हम प्रेशर वेसर ना लगाए तो ये क्या होगा, पूरा फट सकता है। ठीक, तो इस तरीके, इसलिए इसको प्रेशर वेसर लगा दिए, ये क्या हो गया, पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, इसको फटने से बचाता है। अब ये जो कूलेंट यहां से चिल्ड वाटर जा रहा था, यहां से क्या हो रहा था, कूलेंट हमारा हीट अब्सॉर्ब करके बाहर निकला था। ठीक है, यानी हॉट वाटर हो गया था, ऐसे कूल किया था, यहां से हॉट वाटर हो गया। अब यहां से देखो, हम यहां रिएक्टर पे क्या करते हैं, पंप के थ्रू कूलेंट को प्रवेश कराए, फिर ये पूरी प्रक्रिया हुई हमारा, किस तरीके से हॉट वाटर बाहर निकलता है, यहां से निकलता है, निकला यहां से, निकलने के बाद इसको बॉयलर में भेज देते हैं। बॉयलर का काम क्या होता है कि हम जो हीट होती है, हीट एनर्जी को या हॉट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। हमारा खाली हॉट वाटर है, बॉयलर में क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में फिर हीट देते हैं, लार्ज अमाउंट में फिर हीट देंगे तो वो क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, या हीट एक्सचेंजर हम लगा देते हैं। हीट एक्सचेंजर का भी काम होता है तरीके से हीट को ट्रांसफर करना। अब यहाँ क्या हो गया, हमारी स्टीम जनरेट हुई, स्टीम जब जनरेट हुई तो वो क्या होता है, बॉयलर, जैसे बॉयलर की इन्फ्लेशन अगर कही जाए तो वो पात्र या बॉयलर वो युक्त है जिसकी क्षमता 10 गैलन होती है और उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, थ्रू द हीट। ठीक है, अब वो कोयले की हीट दे रहे हैं, किस तरीके की हीट दे रहे हैं उसको, वो हीट किस तरीके से हीट से उसको वाटर से स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। अब यहाँ स्टीम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, स्टीम जब प्रोड्यूस होती है तो स्टीम जो हमारी प्रोड्यूस हुई, फिर यहाँ लगाते नॉजल। स्टीम में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी प्रेशर ज्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है स्टीम के पास। नॉजल लगाए इसकी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, ये नॉजल जो होता है काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है और प्रेशर एनर्जी को कम करता है। उसके बाद ये कहा कि टरबाइन होती है, टरबाइन के ब्लेड्स, टरबाइन इस तरीके से होती है और इस पे ये ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, टरबाइन के ब्लेड्स पे क्या होता है, स्टीम टकराती है, ब्लेड्स घूमते हैं तो ये किस पे ब्लेड्स बने होते हैं, रोटर पे, रोटर वो घूमता है और रोटर से क्या कनेक्टेड होता है, साइड पे। तो यहाँ स्टीम एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। अब साइड घूमने लगा, साइड से क्या कनेक्टेड होता है, मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। अब उसने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज किया, ये हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाती है और इसको स्टोर करके थ्रू द ग्रिड, स्टोर करके ग्रिड की सहायता से घरों में या जहाँ कमर्शियल यूज होता है कमर्शियल यूज के लिए बेचते हैं। यहाँ से जो हमारी स्टीम बच जाती है, यूज करने के बाद जो एक्सेस स्टीम बच जाती है उसको कंडेंसर में बेचते हैं, कंडेंस करके फिर पंप की सहायता से फिर बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है हमारी, न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस तरीके से काम करता है, ये पूरा वो है। वैसे इंडिया में जैसे महाराष्ट्र में तारापुर है, वहाँ 420 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है। कोटा राजस्थान में भी लगा हुआ है, वही 400 या 440 मेगावाट का, 470 मेगावाट का ये नरोरा बुलंदशहर है वहाँ लगा हुआ है, और कलपक्कम चेन्नई में भी लगा हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और सबसे जो पावर 1000 मेगावाट का लगा हुआ है वो लगा हुआ है हमारा कनकपारा गुजरात में लगा हुआ है। ठीक, तो ये हैं इस तरीके से हमारी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में अच्छी खासी है, इसलिए ये ज़्यादा यूज किया जाता है। बाकी देशों से अगर हम देखें जैसे जापान में, वहाँ ज़्यादा उपयोग मतलब हमारा न्यूक्लियर ईंधन पैदा मिलता है, उसके खाद्यान्न ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा पावर प्लांट लगे हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया।